मैंने चार पांच दिन 9 तारीख के बाद 5-6 दिन मैंने मफलूरी में गुजारे, इधर से उधर छुपता फिरा। उसके बाद मैं पकड़ा गया, जेल हुई, एटीसी में पर्चा दर्ज हुआ। हालांकि वो बिल्कुल बेफजूल पर्चा था, मैं था ही नहीं यहाँ पे। किसी एक रैली में, किसी एक इत्तेजाज में आप मेरी फुटेज नहीं दिखा सकते, मैं नहीं था यहाँ पे। मैंने वही चीज़ आज शवाहिद जज साहब को पेश किए हैं, मैं अपना टिकट दिखाया है, अपने इस्लामाबाद में रहने की रसीदें सारी चीज़ें उनको दिखाई हैं, जिसके ऊपर मेरी बरियत हुई। और आज मैं बरी होने के बाद, जब मैं आज़ाद शहरी की हैसियत से हूँ, मुझे कोई जेल का खतरा नहीं है, मेरे पे कोई और पर्चे नहीं है, मैंने ये फैसला किया है। और मैंने ये बड़ा सोच समझ के फैसला किया है, मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से, क्योंकि मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मैं आज के बाद से कोशिश करूंगा कि जो कुछ मुझसे बन पड़े अपने मुल्क के लिए करूं। सियासत का मुझे अभी इल्म नहीं कि मेरी आगे जारी रहेगी कि ख़त्म हो जाएगी, कि यही मेरा आखिरी सफ़र था, यहीं तक मेरा सफ़र था सियासत में। लेकिन जितनी मुझे पाकिस्तान की कौम ने मोहब्बत और इज्जत दी, उसका मैं उनका मशकूर हूँ। अगर किसी का दिल टूटा हो मेरे से, तो मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर खान साहब आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।